मशीन का एरर जानने के लिए सबसे पहले हमें मशीन को स्टैंड बाई मोड पे टर्न ऑफ करना होगा फ्रॉम रिमोट कंट्रोल से। रिमोट कंट्रोल से ये मैंने ऑफ कर दिया है यूनिट को। अब थर्मोस्टेट का माइनस वाला की रिमोट कंट्रोल से 5 सेकंड के लिए मैं प्रेस करके रखूँगा। अब आप देखिए रिमोट कंट्रोल के ऊपर 00 नंबर आ चुके हैं, डबल डिजिट 00 आ गया है। अब मशीन मेरी जो है वो एरर मोड पे आ चुकी है। तो अब डाउन की से मैं इसका सीक्वेंस चेंज करूँगा। वन, इस तरह से ये चेंज होता जाएगा और शॉर्ट बीप के साथ ये नंबर चेंज होते जाएंगे जैसे जैसे आप प्रेस कर रहे हैं। जहाँ पर ये आपका जिस नंबर के ऊपर ये लॉन्ग बीप आएगी, यही मेरा मेन एरर कोड होगा। तो देखिए 18 के ऊपर जो है वो लॉन्ग बीप आया, यानी कि 18 जो है मेरा वो मेन कोड हो गया। अब मुझे सब कोड के अंदर जाना होगा, तो उसके लिए मैं राइट वाला की प्रेस करूँगा। देखिए राइट वाला प्रेस किया, 0 माइनस के ऊपर, माइनस 0 के ऊपर ये लॉन्ग बीप हुआ। इसका मतलब देखिए फिर से चेक कर लेते हैं कि सब कोड के अंदर माइनस 0 के ऊपर ये लॉन्ग बीप हुआ, यानी कि हमारा जो एरर है 18 माइनस 0 है। चलिए देखते हैं कि एरर चार्ट क्या कहता है इस एरर में। तो एरर चार्ट के अकॉर्डिंग ये कहता है 18 जो है हमारा वो मेन कोड हो गया, 18 एंड माइनस 0 सब कोड हो गया। तो इसमें ये बता रहा है आपका वायरिंग बिटवीन मेन यूनिट, यानी कि मेन यूनिट और आउटडोर यूनिट के बीच में जो वायरिंग है कम्युनिकेशन पोर्ट, उसको हमें चेक करना होगा। तो ये कहता है या तो सीरियल पोर्ट शॉर्ट है या सीरियल कम्युनिकेशन जो है वायरिंग मिसिंग है। तो ये मैं एरर चार्ट के अकॉर्डिंगली काम करूंगा। तो इंडोर और आउटडोर के बीच में जो कम्युनिकेशन केबल है वो मैं चेक करूंगा प्रॉपर कनेक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टू नंबर, सबसे इधर आप एन देखें टर्मिनल के, इंडोर यूनिट के ऊपर जो टर्मिनल पोर्ट है, इस सॉकेट के ऊपर देखें एन जो न्यूट्रल है, वन नंबर जो फेस है, एंड टू नंबर जो है मेरा कम्युनिकेशन है जो कि येलो और ग्रीन वायर कनेक्टेड है कम्युनिकेशन के ऊपर। तो चलिए अब आउटडोर के ऊपर चेक करते हैं। तो ये मेरा आउटडोर यूनिट का टर्मिनल सॉकेट है, इसके ऊपर आप देखें अगर टू नंबर जो कम्युनिकेशन है जो कि इनसाइड इंडोर यूनिट के ऊपर ग्रीन और येलो वायर थी जो कि वन नंबर पे कनेक्टेड है, यानी कि इस टू नंबर पे आपका ये येलो एंड ग्रीन वायर कनेक्टेड होना चाहिए। तो इसे हम कहेंगे कम्युनिकेशन पोर्ट जो है हमारे कनेक्शन गलत हैं जिसकी वजह से ये एरर आया। थैंक यू।